नमस्कार, एस एम जेड न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। क्रिकेट और अभिनेत्रियों की जांच एसआईटी के हवाले। युवराज सिंह, मुनमुन दत्ता, युविका चौधरी पर जाति सूचक टिप्पणी का केस। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट में एफिडेविट दिया। जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना। एफआईआर में ब्रिजभूषण पर आरोप। सांस लेने का पैटर्न चेक करने के बहाने पेट छाती को छुआ, जबरन गले लगाया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता दूसरा गोल्ड। पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर भाला फेंका। लीग में डबल गोल्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय। पुणे में गोदाम में लगी आग, 3 की मौत, 4 से 5 सिलेंडर में धमाका। ईडन गैस के गोदाम तक पहुँचने से पहले आग को रोका गया। एप्पल सीईओ ने मीटिंग में 20 बार लिया इंडिया का नाम। टिम कुक ने कहा, आईफोन बेचने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है भारत। कांग्रेस के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 13 मई को जयपुर के 250 वार्ड में देंगे धरना। मंदिर से सोशल मीडिया तक चलाएंगे अभियान। राजौरी में एक आतंकी ढेर, एक घायल। 2 दिन से मुठभेड़ जारी, यहीं 5 जवान शहीद हुए। बारामूला में भी एक आतंकी मारा गया। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत। 1100 लोग ने असम में शरण ली। हालत स्थिर, राज्य में नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या। बाइक सवारों ने सोसाइटी में घुसकर मारी गोलियां। लाहौर में 33 साल से रह रहा था। ब्रिटेन में चार्ल्स कैमिला की ताजपोशी। 80 मिनट चली रस्में। आर्क बिशप ने किंग को 360 साल पुराना ताज पहनाया। क्वीन ने कोहिनूर जड़ा मुकुट नहीं पहना। इसी तक की खास 10 बड़ी खबरें का फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज़ इंडिया।